माँ भारती की इस पवित्र भूमि पर, वीर भूमि पर, स्वाभिमान की भूमि पर आज भव्य फाउंडेशन ने एक ऐसा कार्य किया है कि इस मंच पे पूरे हिंदुस्तान को एकत्रित कर दिया है। और हम सभी जो दूर दूर तक थे, जिनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता था या करता था, उन सबको दूर दूर के कहते हैं कि ये बागों से फूल को चुनकर यहाँ पर खुशबू बिखेरी है। इसके लिए भव्य फाउंडेशन का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ में जितने भी लोग यहाँ पर इस फाउंडेशन जुड़े हैं, मैं चाहूँगा हम लोगों को भव्य फाउंडेशन के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो समाज के क्षेत्र में वो कार्य कर रही है जिसको हम लोग करने को सोचते भी नहीं है। चाहे कैंसर पीड़ित हों, चाहे विकलांग बच्चे हों, उन सबके मान सम्मान में जो आपने कार्य किया है उससे हम लोग अभिभूत हैं और हम लोग खुश हो रहे हैं। हम लोग को आपने आमंत्रित किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं रिटायर्ड मैनेजर भारतीय रिजर्व बैंक कानपुर। कहते हैं कि जो अंधेरों में पड़े उनको उजाला दे सके, हो कोई जो मुफलिसों को भी निवाला दे सके। दोस्तों, भव्य फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो समाज में गरीब हैं, पिछड़े हैं, निशक्त हैं, ऑटिज्म पीड़ित बच्चे हैं, उन सबको आगे बढ़ाती है, उनको सहयोग करती संस्था। और जो हमारे समाज में, देश में नहीं विदेश में भी जो प्रतिभाएं हैं, चाहे वो गायन की हों, चाहे वो साहित्य की हों, किसी भी क्षेत्र की, उनको भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज जो कार्यक्रम हुआ है बहुत ही एक मिसाल थी, एक बेहतरीन कार्यक्रम था। हम सभी को ऐसी संस्थाओं से जुड़ना चाहिए और हर संभव मदद करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भव्य फाउंडेशन कि हमें भी इसमें आने का मौका दिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव हूँ, प्रोफेसर इतिहास में, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज पन्ना में मैं पदस्थ हूँ। और आज जिस अवार्ड सेरेमनी के हम सभी सहभागी बने हैं, विटनेस बने हैं, निश्चित रूप से ये एक ऐसा समारोह था जिसमें छोटे से छोटे बच्चे से लगा करके और वरिष्ठ तक, वरिष्ठ समाजसेवी और पुरस्कार विजेताओं तक ने भाग लिया। इस पूरे कार्यक्रम में डॉक्टर निशा माथुर और उनके हस्बैंड श्री शैलेंद्र माथुर जी ने जिस अथक परिश्रम के साथ में पूरे देश भर के और बाहर से भी लोगों को एकत्रित किया है, वो बेमिसाल है। और इस अवार्ड सेरेमनी तो बहुत देखे हैं, बहुत होते रहते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता थी कि हम सभी का कंट्रीब्यूशन जो था वो ऐसे बच्चों के लिए था जो निशक्त जन हैं, जो दिव्यांग जन हैं और जो समाज से बिल्कुल उपेक्षित है। और उन सब का परफॉर्मेंस इस स्टेज पर देखना अल्टीमेट, यकीन मानिए जब उन बच्चों का परफॉर्मेंस हो रहा था, छोटे छोटे बच्चों का, तो हमारी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। और इस बात को मैं बिल्कुल दिल से स्वीकार करता हूं कि ऐसा भावात्मक कार्यक्रम, इमोशनल कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे से लगा करके और अभी मेरी घड़ी में लगभग 6:30 बज गया है। कंटिन्यूस नॉन स्टॉप, एक मिनट के लिए भी हम हॉल से बाहर नहीं गए एक्सेप्ट लंच और टी के लिए। तो ये कार्यक्रम की सफलता है। बड़े बड़े नेताओं को लोग आधे घंटे सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन इतने बड़े कार्यक्रम में इतने सारे लोगों का परफॉर्मेंस देखना, और सब अलग अलग क्षेत्र में, निसंदेह बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छोटे छोटे राज्यों के जो लोग यहाँ आए हैं, उन्हें जीवन में शायद पहली बार अवार्ड मिला है, उन सबकी प्रतिभा का यह एक बहुत ही सशक्त मंच है। और मैं मैडम से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम लोगों को आप अपने साथ जोड़िए और हमारे स्तर का जो भी काम आप सौंपेंगे हम लोग बहुत खुशी खुशी करेंगे। मैं भी एक विद्या करियर रिसर्च फाउंडेशन चलाता हूँ, रिसर्च और इंटरनेशनल टूरिज्म के क्षेत्र में थोड़ा बहुत काम मैंने भी किया है। मैं यूट्यूबर भी हूँ और प्रोफेसर भी हूँ। और मेरी किताब का विमोचन आपने किया है, ये पब्लिकली कई लोगों ने इसको अभी मुझसे मांगा है, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मंच है। और अल्टीमेटली सपना जी कहाँ गई, मैं भी एंकरिंग करता हूँ सपना जी, और बड़े बड़े कार्यक्रम का मैं एंकर हूँ, और मैं समझ सकता हूँ कि कितना प्रेशर आपने आज झेला है। निसंदेह 8 घंटे कार्यक्रम का संचालन करना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा टास्क है, और उसमें किसी को कोई शिकायत नहीं। जोरदार तालियां डॉक्टर निशा माथुर के लिए, डॉक्टर श्री शैलेंद्र माथुर के लिए, और सपना जी के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।